एक ऊपर आ रहा है, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। हम लेक्चर के लिए आ चुके एक नई वीडियो लेकर। इस वाले गेम प्ले में क्या ही खतरनाक फाइट सीन्स होगी भाई। लास्ट वाले बंदे को हम फिर से ट्रॉल करके मारेंगे अगले गेम प्ले की तरह। तो यहां पे उतर जाते हैं, यूएमपी मिलती है सामने बंदा। दो को तो फिनिश कर दिया था, एक बंदा बचा हुआ था, नीचे आ गया था। अच्छा बेटा, भाग के कहां तक जाएंगे? वो सामने भाग रहा, रुक जा भाई। यहाँ पे नॉक करके डायरेक्ट की पीड़ी डाल दे, क्योंकि पीछे भी बंदे भाई। तुरंत से मेरा किल यहाँ पे कंफर्म ही कर लेते, वो अपना ही किल बना लेते, तो यहाँ पे किल कंफर्म करना पड़ा। 3 किल हो जाते, उतरते थोड़ी बहुत लूट करते हैं। अब दूर मुझे एक बॉट दिखता है, तो गाइस यहाँ पे फ्री का किल तो लेना बनता है ना गाइस। वो बॉट शायद दूसरे बॉट को मार के वहाँ पे पेट ही लूटने जा रहा था। जाऊं अरे वरुण जरा सबर करो, इस मैच में तो अपना चिकन डिनर पक्का है बिल्कुल से। बॉट निपटा के हम भाई आगे बढ़ जाते हैं। मैं जैसे आगे जाता हूँ, मेरे टीममेट का कॉल आता है कि आगे एक बंदा है, तो भाई देखो कैसे निपटाते इसको। एक बंदा और रहता है जो कि नॉक पड़ रहता है यहाँ पे, फ्री की किल्स भाई। ये वाला बंदा देख जाता है, थोड़ी बहुत लूट करते हैं। अब आगे एक बंदा जाता है, मौली पता नहीं कहाँ से हो रही थी, लेकिन अरे भाई साहब बंदा क्या ही नॉक करता है। ये बंदा अच्छा खेल रहा था, लेकिन कैम करना जरूरी होता है। कोई बात नहीं, मेरा टीममेट प्रो भाई संभाल लेगा उसको बिल्कुल। देखो कैसे नॉक करेगा अभी। अरे अरे अरे, चलो कोई नहीं, देखेंगे इसको अभी। भाई मेरे टीममेट भी यहाँ पे ठिल जाता है, कोई बात नहीं। रॉयल नाम था उसका, याद रखना गाइस। ये लास्ट मैच, इस मैच का लास्ट इंडिंग भाई खतरनाक है बिल्कुल। तो भाई लास्ट तक जरूर देखना ये वाला मैच, क्या ही साले बंदी की हम पीडी बनाएंगे लास्ट में। कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर से रिकॉल होकर आते हैं जॉर्जो पुल। अब यहाँ सामने फायरिंग हो रही थी गाइस, मेरे गलती से 2x गिराने के चक्कर से मेरा भाई पावर गिर जाता उड़ने वाला। कोई दिक्कत की बात नहीं थी, फिर से लेते हैं। इन भाई साहब को देखो, जैसे लगता है भाई शहर पे निकले हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं थी, यहाँ पे इसको नॉक करते हैं। सामने से फायरिंग आ रही थी, मुझे डर था कि भाई मेरा किल कहीं चोरी ना हो जाए। यहाँ मैं फटाफट से रश कर देता हूँ आगे एक स्मोक करके, अगर बंदा भाई मारे तो हम यहाँ पे स्मोक का कवर ले ले। उसके साथ मैंने यहाँ पे 2-3 ग्रेनेड डाल दिए जहाँ पॉसिबल था। एक मैंने लेफ्ट डाला, एक राइट डाला, एक घर में भी डाल देता हूँ। अब मैंने देखा भाई सामने बंदा नॉक पड़ा है और लेफ्ट में एक बंदा आ रहा था। बहुत सही यार, इसको तो मैंने निपटा दिया। ये लेफ्ट में नहीं राइट में था, सॉरी गाइस। अब इन दोनों बंदों की तो पीढ़ी बन जाती है। अब गाइस हम लोग पास बॉल पूरे भाई, मतलब 7 बॉल मैंने कलेक्ट कर लिए थे और समन करने का टाइम नहीं था इतना गाइस। जब मैं पहुंच रहा था तो भाई टाइम आउट ही हो जा रहा था बिल्कुल से। अब यहाँ पे हम लोग निकलने का प्लान था, तभी दूरी ये दिखते हैं। अब इनको आप लोगों को क्या लगता है कि ये बॉट है कि बंदा? अभी गाइस आप लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ पे तो इनकी पीढ़ी बनाते थे, हम लोग भी कंफ्यूज थे कि ये बॉट था बंदा, लेकिन गाइस अभी आगे चल के पता चल जाएगा ये बॉट है ये बंदा। आप लोगों को इतना फनी सीन होने वाला है गाइस, मैं क्या ही बताऊँ। अब यहाँ से हम लोग निकलने वाले थे, तभी रिकॉल पे मुझे एक बंदा दिख जाता है। भाई इसको अच्छा खासा डैमेज हो चुका था, अच्छा हुआ कि ये बंदा नॉक नहीं हुआ, क्योंकि इसने भाई एक बंदे को रिकॉल कर दिया था। अब भाई यहाँ पे देखो, मैं ऊपर लगातार देख रहा हूँ कि कोई बंदा दिख जाए, कि जो रिकॉल हुआ वो कहाँ जा रहा है। और मेरे ऊपर देखते देखते एक बंदा मुझे दिख जाता है, जो कि पैरासूट भाई यहाँ पे खोलता है अपना। तो गाइस देखो, यहाँ भाई स्प्रे देते, लेकिन स्प्रे का कोई भी मतलब नहीं था, एक भी बुलेट उसको टच नहीं हुई। तो हम कहते हैं वरुण फटाफट से अपनी गाड़ी निकालते, सारे बंदे पे चलते हैं। तो हमने फटाफट से भाई गाड़ी ले ली। अब गाइस अभी मैं इस वाले बंदे को नॉक करेंगे और इससे हम क्या ही मजा लेंगे, आप लोग भाई देखना अभी। अब सामने ये बंदा पेड़ पे छुपा रहा था। अरे और ये गाइस वही बंदा रहता है जब हम भाई यहाँ जॉर्जो पुल सिटी से निकल रहे थे, तब इसको मैंने नॉक करा था। अभी मैं जैसे ऑल माइक करता हूँ उससे बात करने के लिए। चेड़ी चुट्टी आड़ना रहा आलिदर ना कह यार रहा आईडी की ब्लड हेल्थ चेड़ी डू अच्छे
यार गाइस ये भाई मतलब साउथ में क्या ही बोल रहा था मुझे बिल्कुल समझ भी नहीं था। इसने बोला कि मैं नॉक हो चुका हूँ और ये हीलिंग लगा रहा है, वरुण जब हीलिंग लगा रहा था इसने बोला कि ये हीलिंग लगा रहा है। गाइस अभी मतलब क्या ही बोला, अगर किसी को ये लैंग्वेज समझ में आई तो कमेंट करके जरूर से बताना। आगे ये क्या बोलता है अभी बंदा क्या ही बोल रहा था कुछ समझ में नहीं आया था। इसकी पीडी बनाते हैं यहाँ से, थोड़ी सी बहुत लूट हो जाती है, M4 की एमओ मिल जाती है एक्स्ट्रा। तो गाइस यहाँ से हम लूट करके फिर से यहाँ से निकलने का प्लान था हम लोग, यहाँ से जैसे निकलते तभी रिकॉल में मुझे एक बंदा दिखता है। ये वाला बंदा रिकॉल कर रहा था, मेरे टीममेट ने कहा कि भाई करने दे रिकॉल, मैंने भी कहा करने दे उसको रिकॉल, एक किल फ्री का मिलेगा। लेकिन इसका जो टीममेट था जो रिकॉल हो गया होने वाला है वो भाई चालाक था, क्योंकि भाई वो रिकॉल हो गया यार तुरंत से निकल जाता है, मैं ऊपर देखता रह जाता हूँ लेकिन इसके कोई टीममेट नहीं दिखता। तो जैसे आप इसकी पीढ़ी बनाएंगे अब यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि भाई कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, इसका टीममेट तो काफ़ी चालाक निकलता है। तो फटाफट थोड़ी बहुत और लूट करेंगे फिर गाइस निकलते हैं यहाँ पे इसकी पीढ़ी बना के। गाइस यहाँ पे क्या होता है मैं स्लो में आपको दिखाता हूँ। गाइस ये BGMI पबजी मोबाइल का ईपिक ग्रेनेड होने वाला है बिल्कुल। मैंने यहाँ पे भाई मतलब ग्रेनेड तो थ्रो कर दिया, उसके पैर पे लगता है, फिर जाके पाइप से लड़ेगा, फिर ऊपर भाई रेलिंग में लड़ के मेरे पास वापस से आ जाता है। गाइस तीन मतलब तीन साइड से रिफ्लेक्ट होके भाई मुझे ही फोड़ना था इस ग्रेनेड को, मतलब गाइस खतरनाक ही ग्रेनेड था ये, ग्रेनेड मुझे पे ही पड़ जाता है भाई। मतलब BGMI और भाई पबजी मोबाइल का ईपिक ग्रेनेड होने वाला है ये वाला, मैंने बिल्कुल आज तक ऐसा ग्रेनेड बिल्कुल भी नहीं देखा। कोई दिक्कत की बात नहीं थी लेकिन इससे कुछ भाई मेरा घाटा नहीं होता, फटाफट से स्मोक आता है, मेरे टीममेट मुझे रिवाइव देता है, फिर देखते इन बंदों को। अब ऊपर मेरे तीन बंदों के फुटस्टेप आ रहे थे, एक बंदा तो बिल्कुल ऊपर टॉप पे चढ़ा हुआ है। तो गाइस अब यहाँ पे मैं अपना भाई गन रिलोड करता हूँ, फिर जाके गाइस देखते हैं तीनों बंदे ऊपर साइड रहने वाले हैं। ऊपर मुझे कहीं से तो दिखे पता नहीं कहाँ से, कवर लो हीलिंग करो पहले ठीक है। नहीं कैसे दे दिया जंगल होगा था मार्क पे चलो हाँ पता है एक स्पेस स्टील होगा सीढ़ी के ऊपर चेक करो गैराज वाले तो मैंने पहले ही पेल दिया था, ये लास्ट वाला बंदा बच चुका था। यहाँ पे जंप करके इसकी भी पीटी बनाते, थोड़ी बहुत लूट करेंगे की गाइस पूरी एमो तो इन बंदों पे ही खत्म हो चुकी थी मेरी, फटाफट से लूट करेंगे फिर यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि भाई हम लोगों को जोन भी जाना था और जोन दूर था, अभी तक हम लोगों ने बॉल समन नहीं करा। और गाइस ये अभी डीएक्टिवेट भी हो जाएगा, हम लोग समन भी नहीं कर पाते। वहां से निकल के हम जोन साइड आते हैं लेकिन यहाँ से भी जोन शिफ्ट हो जाता है, सामने से फायरिंग आती है, मैं लेटता हूँ लेकिन ग्रास के चक्कर से मुझे भाई बंदा दिखता नहीं सामने। अब दूर वाले बंदे को मैं स्प्रे देता हूँ, ठीक से जाता ही नहीं, ये सामने पत्थर पे मुझे एक और बंदा दिख जाता है। तो गाइस ये देखो ग्रेनेड बिल्कुल मैं कुक करके डालता हूँ
और गाइस बूम बंदा फट जाता है। इसको तो गाइस नॉक करते हैं। अंदर भाई क्या बंदा मेरे मार्क पे उड़ के क्या गाइस ये रॉयल बंदा फिर से मिल जाता है जिसने मेरे टीममेट को भी नॉक करा, फिनिश भी हो जाएगा मेरा टीममेट। अब यहाँ पे मैंने एक बंदे को तो नॉक करा था, उसका टीममेट आता है भाई इतनी तेजी से आएगा और जितनी तेजी से आएगा उतनी तेजी से ये ऊपर भी जाएगा। अभी देखना अभी इनके जैसे नाम थे वैसे तो इनके काम नहीं थे, यमराज और यमदूत नाम रखे थे इन दोनों बंदों का, क्या ही नाम था। अब इन दोनों बंदों की पीढ़ी में आती है, सामने किसी बंदे को भाई रॉयल ने फिर से AWM से चिपका दिया। तो गाइस मुझे लगा कि बंदा यही क्लॉक टावर में होगा, तो गाइस यहाँ पे मैं बिल्कुल जंप करके जाता हूँ ऊपर। अब यहाँ पे सीन देखो क्या हो, वो बंदा मुझे पीछे दिख जाता है गिली सूट में जब मैं एडिट कर रहा था। वैसे तो गाइस बंदा दिखा नहीं था, मैं यहाँ पे ग्रेनेड कर रहा था इस टावर में तभी पीछे से बंदा फायरिंग करता है। लो इन भाई साहब से बदला पूरा हो जाता है, अपने टीममेट का बदला लेता हूँ अपना भी बदला लेता हूँ। स्टार्टिंग से इसी बंदे ने हम लोगों को फिनिश करा था, अब इसकी पीढ़ी बनाते हैं। अब मुझे लगा कि भाई ऊपर ही एक बंदा है, गाइस अब मैं फिर भी कंफ्यूजन में ही था कि ऊपर एक बंदा है, थोड़ा सा मुझे साउंड आया था लेकिन यहाँ पे बंदा कोई नहीं रहता। एक ग्रेनेड करता हूँ अभी गाइस, मेरा बुद्धि देखो मैं एक मॉली इधर से भी डालता हूँ भाई आगे साइड से भी डाल दूंगा लेकिन इसमें कोई भी नहीं रहता। तो गाइस यहाँ मैं अपना संतुष्टि के लिए एक और मॉली डालता हूँ इधर साइड से, इधर कोई भी नहीं रहता तो अपनी भाई गाड़ी उठाते हैं लास्ट वाले बंदे को मैं ढूंढने चला जाता हूँ। गाइस यहाँ पे हम जैसे ऊपर हिल साइड आते हैं बग्गी लेके, वैसे गाइस मुझे नीचे बंदा दिख जाता है। गाइस अभी देखो इस वाले बंदे को हम क्या ही ट्रॉल करके मारेंगे, बंदा दिखता है मैंने अपनी बग्गी पूरी राइट घुमा ली। दिखा कि नहीं हमको, नहीं दिख रहा चिकन बोलते बाबा, बोलते बाबा यस पेटी बनाई चिकन बोलते बाबा, चिकन बोलते बाबा ये वाला फिनिश आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।